मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सो के उठी हूँ। माशाल्लाह से मैं 6 बजे सुबह सोई हूँ और अभी 10 हो रहे हैं, अभी सो के उठी हूँ। इग्नोर माय आईज मेकअप, क्योंकि मैंने साफ नहीं की, मैं बहुत थकी हुई थी, मैं ऐसी सो गई और उठी तो इतना शोर शराबा घर में, ऐसा लगता है कि नर्सरी क्लास में आ गई हूँ मैं। प्ले ग्रुप की क्लास में दोबारा से स्टार्ट कर लिया मैंने, इतना शोर शराबा या मैं सुकून से सो नहीं सकता। देखते हैं, नाश्ते के बाद मैं जाती हूँ कि नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए फ्रेश होके। और आज अम्मा हजूर क्या कहती हैं, क्या 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 काम करना है आज का, बताते हैं फिर आपको, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे यार भोला, पक्का भोला है, अली तक आया कैन, ठीक है कॉल करें ना, दे दें क्या आधे क्या नहीं आता। और अमल साहब ने ब्लॉग बनाया है, ठीक है मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बनाने दो बच्ची है अपनी, कोई बात नहीं, अपने हाथ की बच्ची। तो बिजा रहा हूँ मैं, ठीक है अपना नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता हम खुद बनाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके कान नहीं ख़राब है आप लोगों के, नाश्ता हम अपना खुद बनाते हैं। नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता बना के खा पी के दोबारा से मैं रेडी होके, ठीक है सामने आता हूँ, फिर चलते हैं कहीं पर घूमने। जी तो मैं मुंह धो के हो गई हूँ फ्रेश, अभी नेल पॉलिश वगैरह साफ़ की है। तो संडे अमूमन हमारे घर हैवी नाश्ता करते हैं सब, और आज छोटी सिस्टर ने नाश्ता बना दिया। वैसे तो सबके लिए मैं ही बना रही होती हूँ, कि इन्होंने स्कूल भी जाना होता है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो नाश्ते की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो खैर मैंने अभी नाश्ता अपने लिए बनाने जा रही हूँ। मैं नाश्ते में खाती हूँ ब्रेड, अंडा और 1 कप चाय। और अगर ब्रेड और अंडा ना भी हो तो मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है, वरना पूरे दिन में कुछ भी ना मिले लेकिन चाय ना हो तो मेरी मॉर्निंग नहीं होती। और आज का वेदर बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, ये देखें अभी 10 बजे हैं और शदीद धूप है, बहुत गर्मी है। तो अब हम जा रहे हैं किचन में, नाश्ता बनाती हूँ फिर बाकी को ब्लॉग। ये मैंने चाय बना ली है अपनी, ठीक है आप देख सकते हो, अगर आपको नजर आ रही है तो चाय डाल रहा हूँ अपनी। और ज़रूरी नहीं है यार कि स्नैक पे आप लोग फेमस हो, तो आपको चाय बनानी नहीं आती, ठीक है सब कुछ ही आता भाई, करना आना चाहिए यार। बात यह कि कल को बेगम आना, उन्हें भी तो लितर मारने हैं, उन्हें कहना बेटा बना के ना मेरे लिए चाय, तुम मोहब्बत मोहब्बत में रोमांटिक रोमांटिक सीन में चाय बना दोगे, कहीं इज्जत नहीं है, फेमस होने का कोई फायदा नहीं है, मान लो मेरी बात, 4 पैसे कमा लेते हैं बस, बाकी कोई फायदा नहीं है फेमस होने का, बस इज्जत की बात हो। ना तो चने वगैरह खाने को सुबह नाश्ते में आज दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए ऑमलेट बनाता हूँ, ठीक है तो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऑमलेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है ऑमलेट नहीं यार, फ्राई अंडा, ऑमलेट की बात नहीं कर रहा, फ्राई अंडा बना रहा हूँ मैं। और जिसने मेरा किचन देखना होगा देख लेना, वरना इग्नोर कर देना, अमल तो हूँ नहीं मैं, नहीं किचन बहुत गंजा हुआ है, नहीं। चलो अब जल्दी से, ठीक है ये देखो कैसे बनता है ये। जब आप लोग ऑयल वगैरह डालते हो ना, ठीक है तवे के ऊपर, तब आपने क्या नाम है, फिर आपने घी के अंदर गर्म करके, एक मिनट थोड़ा मुँह पर ना आ जाए मेरे, घी गर्म करके आपने, ठीक है फिर आपने उसके अंदर हल्का सा नमक डाल देना ताकि अंडा चिपके ना पास। ये होती है जी रेसिपियाँ बेटा, कल को बेगम आ गई तो फिर भी तो करना पड़ेगा ना, उसको भी तो अपने हाथ से बना के खिलाना पड़ेगा, तो अभी कर लो तो क्या है। मैं सही कहता हूँ बेटा, इज्जत वगैरह बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, दुनिया में इज्जत ना कमाओ, अपने घर में इज्जत कमाओ तो बात बनेगी। तो ये अंडा हमारे, मैं गुल्ली हमेशा ऐसे ही खाता हूँ, ये ऐसे कच्ची कच्ची थी, ऐसे में मज़ा आता है। चलो डन, ठीक है मैं अभी इसको खा के फिर तुम्हें बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जी मैं बना चुकी हूँ नाश्ता, और अंडा नहीं बनाया आज, गर्मी बहुत है, मुझे एलर्जी हुई हुई है, तो मैं जैम लगा के खा रही हूँ ब्रेड के ऊपर। और आप कह रहे होंगे ये कौन सी जैम है, तो मैं बता दूँ, माई फेवरेट जैम ब्लैक करंट जैम, मुझे ये बहुत पसंद है, ये हो तो मैं ब्रेड पे लगा के खाती हूँ, नहीं तो तवे पे ब्रेड बना के वो खा लेती हूँ, मुझे वो भी पसंद है बहुत। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नाश्ता ही बनाया है, मैं मेहमान आ रहे हैं घर में, मैं चिकन चढ़ा दी है, चिकन आलू बना रही हूँ, चावल बनाऊँगी साथ में और कस्टर्ड बनाऊँगी, तो
वैसे आलमी दिन होता है औरतों का, संडे वाले दिन कपड़े धोना, तो जो लोग कहते हैं कि आपके हाथ बहुत प्यारे हैं, आप तो काम नहीं करती होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फुल मासी हूँ घर की, मतलब मैं घर के सारे काम करती हूँ। आज मैंने कपड़े धोने हैं, ठीक है, फर्श वगैरह, कपड़े, बर्तन, सब काम मैं खुद ही कर रही होती हूँ। मम्मा बीमार रहती हैं, सिस्टर वगैरह होती नहीं है, वो पढ़ाई में बिजी हैं, मैं वेली बंदी, सुकून नहीं आता काम जब तक ना करूँ। तो मैं नाश्ता फिनिश करती हूँ जल्दी से, हांडी वगैरह बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मिलते हैं वगैरह कर लिया, ठीक है, मैं निकलने लगा हूँ, सिस्टर के कॉलेज जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, ठीक है। सामान अभी तक ये रोला यहीं पे पड़ा हुआ है, उल्टी पहन दी सीरी, मेरे गोडे तो बाजी हुए, मोटरसाइकिल पे हैं, बंद करो ये रस्ते, जाके खाने हैं तानू कि लाइब्रेरी केड़ी है। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं कब्रिस्तान बाबा से मिलने, खाना वगैरह बन गया है और कपड़े धुल गए हैं, ठीक है, चाय शाय पी ली, अभी हो गए हैं 4, और फिर थोड़ी सी देर बच्चों को सबको पार्क लेके जाना है, जो घर में मेहमान आए हैं उनको भी, तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस अपलोड करूँगी। और मैं कहना चाहूँगी यार, जिनके माँ बाप नहीं होते, ठीक है, दुनिया में, तो उनसे पूछो उनका क्या हाल होता है, कोई भी सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता, तो जिनके माँ बाप हैं प्लीज़ अपने माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो, ठीक है, सबसे कीमती एहसास है वो आपका। और हमसे पूछो कि जब से पापा गए हैं तो कैसी लाइफ होगी है, कुछ पहले जैसा नहीं रहा, कुछ भी नहीं। खैर, मैं अभी उनकी बात करूँगी तो रो पड़ूँगी, लेकिन जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता, बहुत मुश्किल से बेटियों को सब्र आता है। और बाकी वीडियोस मैं पार्क में अपलोड करूँगी, और थोड़े से मैं बता नहीं सकी, किचन के असल में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था, क्योंकि सारे इकट्ठे हुए हुए थे किचन में, रश हुई हुई थी, तो फिर इंशाल्लाह मैं किसी दिन कुकिंग भी शेयर करूँगी, सिर्फ मैं भी रूटीन बताई जा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि यही रूटीन है डेली की, मतलब आज संडे है तो इस वजह से वैसे मेरी ड्यूटियाँ होती हैं इनको छोड़ने की, लाने की, ये वो, तो और भी बहुत से काम होते हैं यार, बहुत काम होते हैं। लाइब्रेरी का मैं तुम लोगों को बताता होता हूँ ना, वो ये लाइब्रेरी है जहाँ पे मैं आया करता था, ठीक है, और ये देखो, ये वो लाइब्रेरी है, मैं स्लो बाइक करके, ठीक है, और ये बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी प्यारी लाइब्रेरी है यार, ये यहाँ पे स्टडी वगैरह करने आते हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेज, और हम स्टडी नहीं, हम यकियाँ करने आते थे यहाँ पे। ये तोप खड़ी है, उड़ा दूंगा नौमी तुझे इस तोप से, चला मैं तुझे इस गाड़ी में सैर कराऊँ, ये है नवाब की वो गाड़ी, ठीक है, अंदर नवाब का इंजन भी खड़ा हुआ है, ये पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग वगैरह बनाऊँगा इंशाल्लाह, आज यार थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। फिर ये देखें क्या नाम है आपका? हलीमा। हलीमा क्या करने आई हो पार्क में? मांगने। मांगने? मांगती क्यों हो? बस रोटी के लिए। तो आपके घर वाले आपको मना नहीं करते? करते हैं। आप फिर भी मांगते हो? आप अभी मैंने देखा झूले खा रही थी, हैं? मांग मांग के एंजॉय भी करती है हलीमा। हलीमा कितने बहन भाई हो? एक बहन है, दो भाई। एक बहन और दो भाई, वो भी मांगते हैं? मांगा ना करो, बुरी बात होती है, कोई काम कर लो। क्या कर? हाँ जी, अब हम वापस आ चुके हैं, मेहमान जा चुके हैं, और अभी मैंने चाय बनाई है, मैं बहुत थक गई हूँ, और अब मैं बनाऊंगी रात का खाना, इसके बाद वही लाइफ ब्रॉड, और मैं सोई भी नहीं हूँ, मैं तकरीबन 4 घंटे सोई हूँ पूरे रात में, तो
बहुत थकावट हो गई है, अजीब सी हालत हुई है। अक्सर लोग रोड पे पूछ रहे होते हैं कि आपका मूड क्यों बना हुआ है, आप थकी हुई हैं तो रेस्ट कर लें। तो बहुत मुश्किल है भाई, आजकल बहुत मुश्किल है सारे काम, कोई काम आसान नहीं होता। मैं हैरी सेवन तो हूँ नहीं कि सो के उठूँ तो नाश्ता हाजिर हो, खाना कपड़े सब कुछ उसको तो मिल जाता है, और लड़कियाँ बेचारी तो खुद कहती हैं इसलिए वो एक्टिव रहता है कि वो प्रॉपर रेस्ट कर रहा होता है ना हैरी सेवन। और मैं बेचारी खुद थकी हारी, दिन भर के काम काज थकावट के बाद ब्रॉड पर बैठना, तो फिर मूड ऐसा हो जाता है। और अब इसके बाद मैं रेडी होंगी खाना खाने के बाद फिर ब्रॉड पे, और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल के लिए न्यू वीडियो अपलोड करूँगी कल की रूटीन की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को, कमेंट्स में बताएं मैं किस तरह के ब्लॉग बनाऊँ, और प्लीज़ सब मिलके मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।